पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की मंडी समिति आए दिन अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहती है। कभी अवैध कब्जा तो कभी अवैध निर्माण और अब अवैध वसूली के लिए एक बार फिर मंडी समिति सुर्खियों में आ गई है। मंडी समिति के सचिव की नाक के नीचे बकायदा खुलेआम तहबाजारी होती है, जिसकी भनक मंडी समिति सचिव को बखूबी है, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस पर रोक नहीं लग पाई। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तहबाजारी को समाप्त किया था, यूपी सरकार को ठेंगा दिखा रही है। दरअसल आज मुरादाबाद मंडी समिति की कैंटीन के ठेके की नीलामी होनी थी, लेकिन आज नीलामी हो नहीं सकी। इसी दौरान सचिव कार्यालय पर पहुंचे आढ़तियों ने कैंटीन के ठेके के नाम पर अवैध तरीके से हो रही तहबाजारी के विरोध में प्रदर्शन किया। तमाम आढ़तियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। हमारे यहाँ मंडी में बैठक थी, उससे संबंधित कैंटीन के ठेके से हम सब लोग इकट्ठा होकर गए थे मंडी समिति के दफ्तर में, लेकिन वहाँ पर सूचना ये मिली कि आज हमारी मंडी की सचिव महोदय कहीं गई हुई हैं छुट्टी पे, तो इसलिए नीलामी कैंटीन की नहीं हो सकी। हम लोगों ने सब आढ़तियों ने इकट्ठे होकर अपना ये प्रस्ताव रखा था कि मंडी में जो है जो ठेका होता है उसके बायलॉज में 5 कैंटीनों की नीलामी होती है। ठेका तो 5 कैंटीन, लेकिन मंडी में रोड पर कम से कम 150-200 ठेले लगाए जाते हैं, उनसे ठेकेदार वसूली करता है, जिससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित होता है, मंडी में जाम लगता है और किसानों का भी नुकसान होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई गाड़ी किसानों के माल पर चढ़ जाती है तो माल सब खराब हो जाता है। तो इसलिए हमने सब आढ़तियों ने ये निश्चय किया है कि इस बार हम मंडी में रोड पे कोई भी ठेला जो खाने पीने की वस्तुएं उसका नहीं लगने देंगे। जो भी खाने पीने की वस्तुएं कैंटीन में लगाई जाएं, मंडी में कोई भी खाने पीने की वस्तु रोड पे नहीं लगेगी। यदि ठेला किसी को लगवाना भी है तो रोड से हटके सचिव महोदय लगवा सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उस पर। रोड खाली चाहिए, रोड पर कोई ठेला नहीं लगेगा। मंडी समिति कार्यालय में जो कैंटीन का ठेका होता है उसके विषय में आज बोली होनी थी मंडी कार्यालय में, जो स्थगित कर दी गई है। और हम जितने भी मंडी समिति में आती भाई, हम अपनी समस्या को लेकर मंडी समिति कार्यालय गए थे, जहाँ पर हमने अपनी समस्याएं रखी। वहाँ पर हमारे जो मैडम हैं वो आई हुई थी और बाकी और अधिकारी थे, उन्होंने हमारी समस्या को संज्ञान में लेते हुए मैडम से बात करी। मैडम ने ये हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो भी समस्या है मंडी समिति में और ठेके के कारण हैं, तो उस ठेके को करने से पहले हम आपसे विचार विमर्श कर लेंगे, यानी यूनियन से आप विचार विमर्श करने के बाद ही ठेका होगा। क्या आ रही है? अच्छा, क्या आपकी मांगे हैं, किस तरह की बात रखेंगे आप उन सभी के साथ? हम ये कहना चाहते हैं कि मंडी समिति में जो ठेका होता है वो मंडी समिति में 5 कैंटीन का ठेका होता है, क्योंकि 5 कैंटीन मंडी के अंदर है, उन्हीं कैंटीनों का ठेका मंडी समिति में होता है। मगर उसी आड़ में यहाँ पर तहबाजारी चलती है मंडी के अंदर, कोई ठेले वाला फल वाला लगा रहा है, कोई जूते चप्पल वाला लगा रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वही मेन रोड पर, जिसके कारण मंडी समिति में हमारे किसान भाई माल लेकर आते हैं, उनका माल लेट हो जाता है, व्यापारी भाई आते हैं उनका माल यहाँ से निकलने में लेट हो जाता है, क्योंकि माल किस समय गर्मी पड़ रही है, इस समय टाइम से अगर माल ना पहुँचे या ना आए तो किसानों को भी दिक्कत, और व्यापारी का माल अगर सही टाइम से ना पहुँचे उसके बाज़ार में तो उसको भी दिक्कत। तो इससे हमारे व्यापारी भाई बहुत मंडी में कमा रहे हैं, किसान भाई भी हमारे बहुत परेशान हो चुके हैं, जाम की स्थिति लगी रहती है, मेन रोड पर जाम की स्थिति रहती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।